बैक टू माई YouTube चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज गणेश चतुर्थी है, तो सबसे पहले तो सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग सोच रहे हो कि मैंने ये ट्राइपॉड हाथ में क्यों पकड़ा है, मैं इसका यूज़ क्यों नहीं कर रही, क्योंकि अब यूज़लेस हो चुका है। सो या लेट इट बी। तो आज मैं कॉलेज जा रही हूँ हमेशा की तरह कॉलेज तो रोज़ जाती हूँ। तो मैं एक्चुअली अपनी क्लास के लिए अभी थोड़ी सी लेट नहीं हुई हूँ, थोड़ी से ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। एंड मैं बार बार पीछे मुड़ के इसलिए देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बंदर काफ़ी ज़्यादा होते हैं और वो कभी भी अटैक कर देते हैं, और मैं मैक्सिमम अकेली होती हूँ तो मुझे हर तरफ ध्यान रखना होता है। सो या फालतू की बातों को साइड में रख के, आज शायद यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन है गणेश चतुर्थी का, तो हम देखेंगे कैसा आज का दिन रहता है। सो फाइनली मैं भाग भाग के कॉलेज पहुंच जाती हूँ एंड अपनी ये वाली क्लास अटेंड करने के बाद मैं हॉस्टल निकलती हूँ लंच करने। तो आज लंच में बनी थी कढ़ी एंड इसके बाद मैं गणपति जी के दर्शन करने चल जाती हूँ। और यहाँ पे काफ़ी प्यारी डेकोरेशन की थी बच्चों ने, और यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर रंगोली भी बनाई थी, और फिर मैं तो सोची थी वाह यार क्या टैलेंट है। और इसके बाद मैं अपनी प्रैक्टिकल क्लास लगाने जाती हूँ। सो अभी हम गणपति जी के दर्शन करके आ रहे हैं, और अभी मेरी है एक प्रैक्टिकल क्लास जिसके लिए हमें हर्बेरियम लैब जाना है, और मैं हमेशा की तरह अकेले जा रही हूँ। ओके, मुझे लगा वो लैब यहाँ पे है, बट वो इससे भी ऊपर वाले फ्लोर पे है। ये टीका मुझे बहुत पसंद आया। आफ्टर माई प्रैक्टिकल क्लास मुझे कार्ड मिल जाती है COF के बाहर ही, तो मैं लाइब्रेरी आ जाती हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने। देन मैं अपना थोड़ा बहुत कॉलेज की पढ़ाई करती हूँ एंड इसके बाद मैं कॉम्प्लेक्स आ जाती हूँ चाय पीने। साथ में मैंने एक बुक इशू की थी, आज उसे पढ़ती हूँ एंड थोड़ा बहुत इस प्यारे बच्चे से खेलने के बाद मैं हॉस्टल निकल जाती हूँ। फाइनली मैं हाफ रास्ता तो क्रॉस कर चुकी हूँ, और अब आई होप आगे कोई बंदर ना हो पीछे से, तो मैं आ गई जैसे तैसे, क्योंकि मेरा बैग काफ़ी ज़्यादा चर पड़ कर रहा है खाने के सामान की वजह से। दैट्स वाई बंदरों को भनक हो सकती है कि मेरे पास खाने का सामान है और वो मेरे ऊपर हल्ला बोल सकते हैं, बट हम काफ़ी सावधानी से काम लेंगे। सो या अभी 7 बजने वाले हैं और वहाँ पे मेरा हॉस्टल है, ये मेरा हॉस्टल है। अभी मोड़ आएगा और काफ़ी लंबा जाके रास्ता है, तो अभी 7 बज रहे हैं और मेरे हॉस्टल की टाइमिंग क्लोज होने वाली है। आई नो ये कुछ एक्स्ट्रा ही जल्दी है, मेरे लिए तो है, आई थिंक यार है जल्दी तो, बट क्या कर सकते हैं, अब हॉस्टल आ गए हैं तो रूल्स तो फॉलो करने होंगे। तो मैं अच्छे बच्चों की तरह रूल्स को फॉलो करते हुए 7 बजे से पहले पहुंच रही हूँ अपने हॉस्टल। दिस इज़ माई हॉस्टल कादंबरी। पहले मैं अपने हॉस्टल का नाम भी गलत लेती थी, बट फिर मुझे लोगों ने करेक्ट किया कि नहीं इट्स कादंबरी। देन मुझे पता चला कि ओके मेरे हॉस्टल का नाम कुछ ऐसे प्रोनाउंस होता है। एंड फिर मैं अपनी बालकनी से थोड़े बहुत कपड़े लाती हूँ एंड ये है हमारा छोटा सा ग्राउंड हॉस्टल का, और ये जो आपको बाकी लाइट्स दिख रही है ना, ये बाकी हॉस्टल्स हैं। फिर मैं कॉमन रूम आ जाती हूँ फाइल्स बनाने, फिर हम डिनर करने जाते हैं एंड डिनर करने के बाद मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई करती हूँ एंड उसके बाद बस आज के लिए काफ़ी था। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।